आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ के साथ ही गंगा जुड़ा हुआ है, क्योंकि काशी विश्वनाथ ने अपनी जटा पर से गंगा को काशी में उतार दिया है। ऐसे तो भारत के कई हिस्सों में गंगा को उतारा है और गंगा जो है बहती 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 सब जगह पहुंच जाती हैं और साथ साथ में आपको पावन करती हैं, मनों को गंगा जैसा निर्मल बनाकर इस सुबह में, प्यारी सी सुबह में इस दुनिया को पावन करने का ठेका आपको उठाना चाहिए। एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति को पावन कर सकता है, निर्मल कर सकता है। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में इस पावन सी बेला में आप सभी के साथ आज 27 मई 2024 के दिन चंद्रमा धनु राशि में शाम 4:04 तक, उसके बाद मकर राशि में नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र सुबह 10:13 तक, उसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा सुबह 9:33 तक। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर देते हैं स्टोन्स, अब किस राशि के लिए कौन सा स्टोन है और वो पहनने से क्या होता है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो रत्न ज्योतिष क्या होता है जानते हैं थोड़ी ही देर। मेष राशि, आप मूंगा धारण कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कोरल मराठी में कहते हैं पोवड़ा। ये चौरस मिलता है, तिकोना मिलता है, ओवल शेप में मिलता है, गणपति भी बने हुए मिलते हैं। आपका जो मन करे वो धारण करें। कई ज्योतिष इसको अलग अलग प्रकार से धारण करने के लिए बोलते हैं, लेकिन असर इसका एक ही होता है जो आपके लिए उत्तम है, प्रोवाइडेडली आपका जो लग्नेश है मंगल वो सही जगह बैठा हो। वृषभ राशि, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप धारण करें हीरा या जरकन, जो कि सस्ता होता है हीरे से ज़्यादा, या आप धारण कर सकते हैं अगर चंद्र शुक्र की युति हो तो ओपल, वो आपके जीवन में कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। मिथुन राशि, आप धारण कर सकते हैं पन्ना एमिरल्ड और ये आपके लिए अति उत्तम होता है, 3 रत्ती का 6 रत्ती का 5 रत्ती का पहन सकते हैं आप, जिससे आपको फायदा होगा, हिम्मत बढ़ेगी। कर्क राशि, आप पहन सकते हैं मोती, आप पहन सकते हैं चांदी, जिससे आपके जीवन में सुख शांति का आपको एहसास होगा, मानसिक शांति रहेगी। सिंह राशि, आप पहन सकते हैं रूबी माणिक जिसे कहते हैं, और इसके पहनने से कई बार आउटस्पोकन हो जाता है व्यक्ति, तो छोटा सा पहने, ज्यादा असरदार ना पहने और साथ साथ सूर्य को जल चढ़ाएं। कन्या राशि, आप पहन सकते हैं पन्ना एमिरल्ड जिसे कहते हैं और ये आप 3-5-7 रत्ती का पहन सकते हैं, ये पहनने से आपका मानसिक बल बढ़ेगा। तुला राशि, आपको जरकन या आप पहन सकते हैं हीरा, हीरा बहुत एक्सपेंसिव होता है, जरकन सस्ता मिल जाता है, इसके अलावा भी आपके शुक्र चंद्र साथ में हो तो आप ओपल भी पहन सकते हैं। वृश्चिक राशि, आप पहन सकते हैं मूंगा कोरल पोवड़ा, जिससे आपके जीवन में उग्रता और एग्रेसिवनेस भी आ सकती है, इसलिए मंगल कहाँ बैठे हैं इसका भी ध्यान अवश्य करें। धनु राशि, आप पुखराज पहन सकते हैं, आप सुनहला पहन सकते हैं, जो सुनहला होता है वो सस्ता होता है, पुखराज होता है वो महंगा होता है, आप पहन सकते हैं 4 रत्ती का 9 रत्ती का या उससे ज्यादा, ये पहनने से आपके आत्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है। मकर राशि, आप नीलम या लाजवर्द धारण कर सकते हैं, नीलम सबको सूट नहीं करता, उसे रख के देखना चाहिए 2-2.5 दिन या 2-2.5 घंटे में ही पता चल जाता है। इसके अलावा आप पहन सकते हैं लाजवर्द जो कि हार्मलेस होता है, जिसके आने से धन की वृद्धि भी होती है। कुंभ राशि, आप पहन सकते हैं नीलम और नीलम धारण करने से पहले आपको उसको चेक करना चाहिए, अपने पास रख के आपको सूट करता है कि नहीं, कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ में आप लाजवर्द धारण कर सकते हैं जिससे धन आता है। मीन राशि, आप पहन सकते हैं पुखराज सुनहला, जिससे आपके जीवन में आत्मिक ज्ञान की वृद्धि होगी, ठहराव आएगा आपका, चंचलपना कम होगा। ब्रह्मांड में सबसे प्रज्वलित ग्रह जो है वो है सूर्य, और सूर्य की जो रश्मियां होती हैं उनके अंदर
कई सारे नीले पीले लाल कई सारे दूसरे रंग भी होते हैं जिनका अलग अलग असर हैं, और ये रश्मियाँ कई स्टोन्स जो हैं वो ग्रहण कर लेते हैं ब्रह्मांड की शक्तियाँ। आप समझिए कि ये वो रत्न हैं जो आपको पहनने के लिए बाजार में मिलते हैं, जो बहुत प्योर होते हैं उन्होंने ज़्यादा रश्मियाँ ग्रहण की होती हैं, जो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होते उन्होंने ब्रह्मांड की शक्तियाँ कम ग्रहण की होती हैं। इन्हें धारण करने से आपको अलग अलग असर होता है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आ कहती जय, धन्यवाद और बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार।